गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे आदि चड्डी वड्डी पहन के बाहर निकल गया है, उसको पता नहीं क्यों वो पहनना नहीं था, चड्डी पहनी ऐसे ही निकल गया। और यहाँ पे हमारी चाय और टोस्ट रेडी है। गिरीश गया है शिवांश को छोड़ने के लिए, आदि को वॉमिटिंग हुई थी तो उसको आज नहीं जाने दिया, बस कल तो निकलने वाला है इंडिया के लिए, तो सोचा कि तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, है ना आदि। कुछ समझ में उसको नहीं आया होगा। यहाँ पे गिरीश जी पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये स्प्रिंग अनियन भी आज तो रेडी हो गए हैं, तो आज स्प्रिंग अनियन और बेसन के आटे वाली सब्जी बनाएंगे। सारी निकाल लेती हूँ, इतनी छोटी छोटी प्यारी लग रही है। चलिए, ये हमारे स्प्रिंग अनियन और ये थोड़ी सी नॉर्मल अनियन है वो भी ले ली है, तो इनफ हो जाएगी, इतनी निकली है। और यहाँ पे हमारा जो वेजिटेबल पिच है वो खाली होने जा रहा है, अभी धीमे धीमे रहेगा या उगेगा कुछ भी तो आंटी ले लेंगे, क्योंकि वो बाजू में ही रहते हैं तो आते रहेंगे हर रोज़। टमाटर अभी भी आए नहीं हैं, थोड़े बहुत है जो भी है, अनियन और बीटरूट वगैरह, तो वो ले लेंगे, उसको बोला है तो ये सब कुछ है। अभी इसका सब्जी बनाएंगे आज हम। तो चलिए, आज बहुत ही अच्छे वेदर के साथ व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, यहाँ पे मिर्ची और गार्लिक कट कर लिया है, और ये बहुत ही छोटी छोटी थी तो मैंने इसे थोड़ा ये चॉप कर दिया है। तो अभी पहले ये दो चीज जाएगी राई के बाद, और उसके बाद ये जाएगा। अब ये इसमें डाल दिया है तेल में, और ये यहाँ पे आदि आ गया। What's wrong, आदि? Oh, you okay? Good. शिवाश नहीं होता है ना तो उसको। अभी इसके बाद डाल दी है स्प्रिंग अनियन जो चॉप की हुई थी वो, के बाद जाएगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट। पकने देना है थोड़ी देर। वैसे गार्डन की होती है ना तो बहुत जल्दी जल्दी पक जाती है, तो 2 मिनट ही हुए डाले और वो ये पक भी गया है। तो अभी डाल देते हैं बेसन का आटा। मैंने कल से उसे पैकेट से यूज कर रही हूँ, डिब्बी में डालने का टाइम ही नहीं है, वैसे यूज हो जाने वाला मुझे लगता है, क्योंकि कल भजिया और सब कुछ किया था तो नया लाई थी, पैकेट तो वैसे यूज होने लग गया है। यहाँ पे बेसन का आटा थोड़ा सा डाल दिया है, अभी ढक देना है थोड़ी देर के लिए। स्प्रिंग अनियन और बेसन वाली सब्जी रेडी है, गार्निश कर देते हैं थोड़े कोरिएंडर से। जी तो अभी 12:30 बजे है दोपहर के, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ झाड़ू पोछा कपड़ा सब कुछ करके, क्योंकि सारा कुछ वाइंड अप करना था। कल निकल रहे हम लोग इंडिया के लिए, तो आज तो सब कुछ प्री प्लान करके ही निकलना होगा, तो इसीलिए सारी सब्जी वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट करना था, फ्रिज में था वो सब कुछ, और बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन, देखिए किचन पीछे से सब कुछ क्लीन डन, और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो प्लान कर लिया है। कल आई थिंक भाभी कल बोल के गई थी कि कल वहां पे डिनर हमें लंच करके फिर निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, तो हमारी फ्लाइट कल रात 9:30 बजे की है हीथ्रो से, तो इसीलिए जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे हम लोग होंगे दिल्ली में, तो क्योंकि हमारा है होल दिल्ली में, तो इसीलिए तो अभी ये सब कुछ काम चल रहा है। और यहाँ पे ये भाई साहब सुबह से अब तक ये बीच से ही खेल रहा है, देखो है आदि, उसको तो मजा ही आ गया है टीवी देखने में, क्योंकि मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उसके साथ खेल सकूं, बस सब कुछ काम करना है इसीलिए, और पैकिंग वगैरह भी करनी है थोड़ी बहुत जो एंड टाइम में रहती है हमारी लेडीज लोगों की, कि ये रह जाता है और सब कुछ, तो वो चल रहा। और जो लास्ट मिनट की शॉपिंग होती है वो भी मेरी बाकी है अभी भी, तो वो मैं जब भी आई थिंक शाम को गिरीश आएंगे तभी जाऊंगी, क्योंकि बच्चों क्रिप्स और फ्रूट्स लेने हैं तो वो एंड टाइम में लोगी तो वो फ्रेश रहेंगे, ऐसा सोच के मैं दोपहर को या शाम को जाऊंगी सब कुछ लेने के लिए। शिवांश जाएगा स्कूल पे, आदि को नहीं भेजेंगे क्योंकि आदि को सोचा कि घर पे रखते हैं, वैसे भी अटेंडेंस का वैसा कुछ उसका होता नहीं है, वो भी छोटा है तो इसीलिए सोचा कि घर पे ही रखते हैं, तो वो भी रेस्ट कर लेगा फिर परेशान नहीं करेगा। दोपहर को मैं शिवांश को पिकअप कर लूंगी और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ। और चलिए, कल का व्लॉग भी मुझे एडिट करना बाकी है, तो फटाफट एडिट कर देती हूँ व्लॉग, उसके बाद क्या करना है वो कंटिन्यू करूंगी। अभी चलो स्वीपी कब आना थोड़ी बार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो टेबे, स्वीपी टाइम।
ओके तो अभी शिवांश भी स्कूल से आ गया है, आदि भी जग गया है, तो अभी कितने बजे हुआ है? 6 बजे हुआ है। आदि को ब्लैक क्रिप्स खानी है और थोड़ा बहुत मैंने जैसे बताया था सुबह कि नाश्ता लेने जाना है प्लेन में खाने के लिए, और स्नैक तो चलता ही रहता है इन लोगों का पता है स्नैक टाइम, तो उसी के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करने जाना है और आदि के शूज भी लेने हैं, मैंने अभी भी नोटिस किया वो रह गए थे तो वो लेने जाना है। और यहाँ पे शिवांश रेडी हो गया, मामा शॉपिंग देखने थी। ओके पहले दौड़ते डोनेट्स के पास ही जाएंगे ये दोनों, पर अभी मिलते नहीं है यहाँ पे, उन लोगों को पता नहीं है। डोनेट्स हमें नहीं मिलता शिव, आप जे क्या है चेंज द प्लेस। You want that one? Pulling? Yeah, bag lay out, Pela Shivansh. Which one? This one. Oh, that's a jam one. You don't like that one, Shiv. Adi, jam is in the nahi bhave tame. I make them safe. Oh, you make them safe. Yeah, yahan pe rakh ke fir bolta hai ki maine safe hi rakh diya. Mama, will Adi you fruit shoot le sake? Yeah, bananas. सी ऑफ करने के लिए कथा आ गई है मेरे पास, अभी 8:30 बजने को आए हैं। हैप्पी जर्नी, थैंक यू, जल्दी जल्दी आना, थैंक यू, वेलकम। आनंद भाई को लेके आए हैं, जिस ने हस्बैंड ने पति है ये देख लो अभी मैं कमेंट में लगा के तुम हमारा हस्बैंड ने बताओ। हाँ, हैप्पी जर्नी, आदि बी गुड, बाय। एयर होस्टेस ने हैरान नहीं करता, एयर होस्टेस ने हैरान करता, मम्मी ने हैरान नहीं करता, ये पूरा अधिकार छे। हाय बच्चा जी, 11:15 बज गई या 10:15 बजे कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो टाइम का। 11:15 बज गए हैं। बहुत मस्त उंगलाएगी। हां, वी आर गोना फ्लाई टुनाइट ना? यस, आफ्टरनून में। आफ्टरनून में तो ना स्कूल से पिकअप करवावानो, ओ पछि ओ लोग ड्राइव करने पछि एयरपोर्ट में वेट करानो क्या सुनती ना टाइम था। हां, यहां पे ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने खाली स्ट्रेच था उसे थोड़ा थक जा, जल्दी जल्दी अने जमी ले जल्दी जल्दी। और शिवांश को स्कूल पे भेजना है अभी, तो उसको रेडी कर देती हूँ, और ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है फटाफट से, खा ले, सारा फ्रिज वगैरह भी खाली करना है, वैसे तो कर दिया है, थोड़ा बहुत सामान होगा वो आंटी के घर या राजू भाई के घर पे, वहाँ पे भेज दूंगी तो वो भी खाली हो जाएगा। और यहाँ पे आदि आ गया फिर से, ब्लेस यू। हाँ जी, तो काउंट डाउन शुरू हो चुका है हमारा, 9:15 बज गए हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी शिवान चला गया है स्कूल पे, गिरीश छोड़ने गए हैं और आदि ऊपर खेल रहा है उसके टॉयज के साथ और सब कुछ, और मैं यहाँ पे थोड़ा काम वाम कर रही थी एज यूजुअल। और आंटी अभी आई थी तभी मेरा फोन मिल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों आंटी मिलने आई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं भी, थोड़ी सी आंखें बताई रही होगी तो उसीलिए उसका भी वीडियो नहीं ले पाई। कल कथा का लिया था बस वही है, आंटी भी मिलने आई थी, आदि और शिव को दोनों को हक किया आंटी ने, और बोला कि मम्मी पापा दादा दादी सबको ध्यान रखना और दादा दादी को हमारी याद देना और सब कुछ, तो मैं भी थोड़ी सी वो हो गई। आंटी ने बोला कि जल्दी जल्दी आ जाना तुम, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैंने भी बोला मुझे भी आप लोग सब याद आओगे, पर एनीवे एक जगह पे जाएगी तो दूसरा तो मिस होना ही है। तो अभी आंटी भी चली गई, अभी सारे लॉक्स बैग के और सब कुछ मिल गया, किसी ने बोला कि आपकी बैग वगैरह सब कुछ दिखाओ पैकिंग कैसी की है, तो ऊपर के फ्लोर में अभी रखा हुआ है सब कुछ, मैं जाके दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा अभी नीचे नहीं लाए, ऊपर ही है सब कुछ, हम जब भी जाना होगा ना तभी लाएंगे। ये देखिए सारा पैकिंग यहाँ पे है, ये थोड़ा गीला था तो यहाँ पर रखा है क्योंकि अभी निकलना होगा तो फिर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर क्या करूँगी सारे कपड़े वगैरह, तो यही पे ऐसे रख छोड़ के जाऊंगी, तो ये चल रहा है अभी। तो यहाँ पे शिवांश का रूम भी टाइडी करके सब कुछ रेडी कर दिया है, उसका ये रह गया, एंड तक कुछ ना कुछ तो रह ही जाने वाला है। और आज लंच करके जाना है राजू भाई के घर पे, तो वहाँ पे लंच है, तो वहाँ पे लंच करके हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं, वो हम लोग वहीं पे पार्क कर देंगे हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो रिटर्न में जब गिरीश आएंगे तो वो लेके आएंगे और राजू भाई की कार में सारी बैग्स वगैरह और सब कुछ हम लोग बैठ के जाएंगे। तो दो कार चाहिए होगी क्योंकि सामान भी ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा, राजू भाई की एक कार और हमारी एक कार दोनों जाएगी, तो अभी उस तरह से प्लान किया हुआ है। कितने एक्साइटेड हो, काउंटडाउन शुरू हो गया है। यस, हॉलीडे पे कहीं पे जाते हैं ना, उससे ज्यादा इंडिया जाने की ज्यादा खुशी होती है।
આવતો ઓલા ટાઈમ થી કે લોકડાઉન ને કારણે હા 2 વર્ષ હા ગિરીશ કો ज्यादा ટાઈમ હો ગયા મેરે 2 એન્ડ હાફ યર વેકેશન બધું નીચે ઉતારવાનો હા અભી કે અભી તો 10 બજને કો આયે હે તો થોડી દેર મે નીકળેંગે તો અભી ઇન્ડિયા કી સારી સિરીઝ આયેગી એપિસોડ 1 2 3 સારે છે અભી જબ આપ લોગ યે વ્લોગ દેખ રહે હોગે તભી મે ઓલરેડી ઇન્ડિયા મે પહોંચ ગઈ હોગી દિલ્હી મે પહોંચ ગઈ હોગે હે ને કાલે કલ રાત કો આયેગા યે વ્લોગ ઇન્ડિયા મે હા ના તો દિલ્હી સે સુરત જતા આયશો हाँ दिल्ली से सूरत जा रहे होगे तभी दिल्ली से सूरत जा रहे तभी आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होगे मौज रोज रोज है ना पर वर्षा दे देख लो से ध्यान रखो कुछ है कोई बात नहीं चलिए कोई बात नहीं एंजॉय करेंगे बारिश हो या कुछ भी हो सच्ची बात है तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इंडिया के ब्लॉग सारे एंजॉय कीजिए।